समंदर में घिर गया चीन। ड्रैगन को पानी पिलाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका ने कस दिया है शिकंजा। चीन को मजा चखाने के लिए अपने 3 जंगी जहाज को मोर्चे पर लगा दिया है। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, निमित्स वॉरशिप। अमेरिका का जंगी जहाज थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन और निमित्स वॉरशिप के साथ साझा अभ्यास किया। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। तीनों वॉरशिप 1,00,000 टन वजनी है। इन पर 60 लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। 2017 में उत्तर कोरिया से विवाद के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने अपने इतने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है। अमेरिका प्रशांत फ्लीट ने बयान में कहा कि अमेरिका नौसेना मिशन के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक में तेजी से युद्ध का मुकाबला करने की हमारी क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को चुनौती देने वाले सभी लोगों का सामना करने की हमारी तत्परता को दिखाता है। अमेरिका ने अपने 3 सुपर कैरियर तैनात करके चीन को साफ संकेत दे दिया कि अगर उसने जरूरत की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए का मुकाबला करने के लिए वैश्विक तैनाती की समीक्षा की जा रही है। चीन के साथ भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ते खतरे को देखते हुए ये समीक्षा की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 60 हवाई जहाज आ सकते हैं, तो तकरीबन 180 हवाई जहाज डिप्लॉयड हैं और अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में वॉशिंगटन ने जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या 52,000 से घटाकर 25,000 करने का फैसला लिया था। चीन के साथ कई देशों की तनातनी के बीच इन सैनिकों को एशिया में तैनात करने का अमेरिका ने प्लान बनाया। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time and we're going to make sure we have resources in place to do that. इंडो-पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अमेरिका ने कई बार संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। नवंबर 2018, रोनाल्ड रीगन और जॉन सी स्टेनिस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने फिलीपीन सागर में संयुक्त अभियान चलाया। सितंबर 2014, द जॉर्ज वाशिंगटन और कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में ऑपरेशन चलाया। 2009, द जॉर्ज वाशिंगटन और निमित्स 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक साथ अभियान चलाया। चीन के साथ अमेरिका की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। टेंशन का दायरा इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों के बीच अब बातचीत की गुंजाइश नहीं बची। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने चौतरफा किलेबंदी कर दी है। गीता मोहन, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।